सारी चुस्ती निकल गई यहाँ पे तुझे मस्ती की। तो तू कर क्या रहा था? लेट हो रही। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। तो भाई आज 9:30 बज रहे हैं, नाना दोनों हो गए अपना। अब ना यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस निकल रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस में जाना था, आज की डेट है। ये क्या सारा सामान ले, अपना वेरिफिकेशन वगैरह दिखाना है, तो जल्दी से करेंगे। फिर देखते हैं, अपना बाहर की ट्रिप भी होती है तो दिखाएंगे वो भी आपको, ट्रैवल व्लॉग्स निकालेंगे। एक तो अभी हो ही गया हमारा जो मैंने दिखाई दिया, तो अब चलते हैं यहाँ से। एक तो यार दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, अब आप बताओ दाढ़ी कटवानी चाहिए, मतलब छोटी करवाएं या बड़ा है? बाबा सा बन जाए आपकी बात बताना। चलो मेरे को हाँ भाई, क्या हाल है? अरे भाई चुप क्यों रहा है? तो हेड पैड निकाल दिया आते। अरे यार वो तो ठीक है, पर सीट इतनी आगे क्यों करी हुई है तूने? भाई पासपोर्ट बनवाना तुम्हारा आज। पासपोर्ट तो बन जाएगा तुम्हारा, फिर लंदन में जाएंगे ना दोनों भाई। देख ले हाँ। तो परसेंट लेट कैसे कर दिया तूने यार? बैंक गया था भाई। दिल्ली में एक चीज बढ़िया कर दी, जगह जगह ये अपना तिरंगा लगा दिया। वी लव इंडिया। हाँ ये चीज तो बढ़िया लगी मुझे इंडिया में। ये जाम को और कुछ कर देना तो बढ़िया हो जाए। जाम ना इस तेज मार देता है। अब तो चलो ऊपर है फ्लाईओवर से, पे नीचे पूरा हाल हो जाता है। और होता क्या चल रहा है जिंदगी में? शादी के बाद क्या क्या मौज करी? मौज ही चल रही है, मेरी शादी नहीं हुई भाई। हाँ अरे बहन की हुई थी, कजन बहन की, वो तो पता ही है सबको। देखो भाई एक हो रहा झंडा, अभी एक निकला था। पासपोर्ट के बाद क्या चल रहा है? रेड फोर्ट दिखा देंगे तुम्हें, रेड फोर्ट से होते हो जाएंगे हम। अगर किसी को दिल्ली विल्ली घूमना हो तो बताना, उसका भी डाल देंगे लोग। हम तो घूमते रहते हैं इसलिए हम डालते नहीं। अगर कोई ऐसा हो जो दिल्ली एनसीआर से दूर रहता है तो भाई बता देना, कमेंट कर देना। कोई स्पेसिफिक एरिया हो तो है? हाँ कमेंट कर देना, वो दिखा देंगे तुम्हें रेड फोर्ट या इंडिया गेट या जो भी देखना हो भाई हो बता देना। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें देखने का मन है। किसने? बाइक पे? इंडिया लवर। बाइक पे? हाँ दिखा दिया भाई को। महंगी बातचीत। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड है कौन है इसके अंदर? अरे पुनीत लॉर्ड तो नहीं है? हो सकता है, कुछ पता नहीं। मेरे रील्स के चाहने वालों रश हो गया यार। एक तो गर्मी सी हो गई है, फिर एक तो मौसम का समझ नहीं आ रहा। ठंड हुई, थोड़ी गर्मी आई, फिर बारिश पड़ के ठंड हो गई, अब फिर धूप से निकलने लगी। मैं सोच रहा था कि चल मार्च में ना बीच में ना एसी चालू कर दिया था एक दो दिन, फिर एकदम ठंड आ गई, एसी बंद कर दिया, अब तक बंद नहीं है। पता नहीं क्या ही हो रहा है। अब एक तो इस साल ना कुछ पता ही नहीं चल रहा मौसम का, कब मानसून है कब क्या है। मानसून पहले आ गया भाई। वो क्या हो रहा है? गाड़ी पाड़ी मार दी मुझे लग रहा हूँ। फक हो गया वहाँ, या तो मोड़ के खड़े या टक्कर ही दे दी। खड़े तो ऐसे ही है इसलिए बजा दियो। चलो भाई जल्दी से पहुँचते हैं, दिखाते हैं फिर तुम्हें भी पासपोर्ट ऑफिस। हेराल्ड हाउस घोटाले जो करे थे काट देंगे। काट भाई लगेगी। भाई ये नंबर देखो, पर ये नंबर तो यार काफी पुराना है। DAD 0002 बीच में कोई डिजिट ही नहीं है। ये तो भाई काफी पुराना नंबर है, जब बीच की सीरीज चलती थी। काफी पैसे में लिया है ना, तो फिर रिटेल करा लिया होगा ना इसने पुराना। ये किसी स्कूटर स्कूटर या किसी का DAD 0002 बीच की कोई वही नहीं है सीरीज जो होती है, जैसे ए वाई या सी डी या कुछ भी आ जाता है, वो है ही नहीं। मोटा पैसे लगा दिए तो किसी भी और में लगवा लेते हैं। बलिन में क्यों लगवाया? कोई बात नहीं, हमारे भी 0004 है। तेरा देखो रेड फोर्ट बैक साइड, बैक साइड इधर से मतलब पूरा, अब कैसे दिखाऊं छोड़ो, उधर से मतलब पूरा है लंबा। ये रहा भाई हर लॉर्ड हाउस जहाँ हमें जाना है। चलते हैं दिखाते हैं। भीड़ हो रही है भाई, पर ये लाइन चल रही है अपनी बढ़िया जल्दी। भाई अपना पासपोर्ट का काम हो गया,
यार यहाँ पे ना वो बढ़िया है, लाइन वाइज चलता है, सीक्वेंस वाइज। हाँ तो अपने वहाँ पे भी, पर वहाँ जान के नहीं करवाया क्योंकि वहाँ दिक्कत रहती है, भसड़ सी रहती है। यहाँ पे सब सीक्वेंस में चलता है, नीचे जाओ टोकन लो, फिर नंबर आएगा फ्लोर वाइज। तो अपना हो गया पासपोर्ट का काम, अब चलते हैं यहाँ से कहीं खाने चल रहे हैं, सीपी साइड है, देखते हैं, दिखाएंगे आपको। ठीक है, उनने फोटो खींची हुई, गैंगस्टर से लग रहा था, देख लो। जेल से फरार होके आया हूँ कैदी साहब, ब्लैक एंड व्हाइट में खैर ज्यादा लगता है, पर लग रही थी डाढ़ी वाढ़ी बढ़ रही है ना, बाल भी टेढ़े जा रहे थे, मैंने कहा चल खींच दे बिल्लू सांडा जल्दी जल्दी तुम्हारी जेल से फरार, मैंने चल तो जल्दी जल्दी कर दे हम भी अपने निकले। ये भाई पहुंच गए सीपी अपना, तो देख लो भाई पहुंच गए अपना लोकल कैफे, दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तेरा अपना लोकल कैफे सीपी में है, देखो बहुत बढ़िया कैफे है भाई, टेस्ट करना। अभी तो फ्राइज और पास्ता आ गया, बाकी चीज़ धीरे धीरे आ रही है, खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से भाई कुछ नहीं खाया, भूख है, बस चाय पी के नहा के और निकल गए थे, अब जल्दी जल्दी खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई अपना गाड़ी में आ गए, खाना पीना हो गया, अब जान में जान सी आई है, अपने एक दोस्तों आ रहा था पांडू आ जा, दिखाते हैं उससे मिलवाते हैं। ये सीपी डोल रहा था पता नहीं काय बात को, बताएगा ये आके क्या कर रहा था सीपी। हाँ ये हमारा पांडे बॉय। हाँ भाई क्या कर रहा था तू यहाँ बताया तो, कह रहा कॉलेज तेरे श्यामलाल है, श्यामलाल और सीपी का क्या मतलब? अरे भाई दोस्त वगैरह रहते हैं ना यहाँ, तो मस्ती करना है तो मस्ती हो रही है, लड़की बाज लौंडेबाजी कर रहे हो तुम, गर्मी में मस्ती हो रही है, गर्मी में तेरी मस्ती चल रही है, तो तू कर क्या रहा है सीपी में, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, सारी चुस्ती निकल गई यहाँ पे तुझे मस्ती की पड़ी। तो तू कर क्या रहा था सीपी में, प्रोजेक्ट देने आया था कॉलेज में, दे देता प्रोजेक्ट? अबे भाई बहुत मन नहीं करता कॉलेज, अब तो क्या मन करता है, सीपी आ जाता है बड़ा दिल बहल जाता, तो सीपी आ जाता था। तो भाई अब यहाँ से चल रहे हैं, घर निकलेंगे, अब सीधा रेस्ट करेंगे, फिर जिम जाएंगे, जिम जाके आज दिखाते, चलो जिम में एक आधी एक्सरसाइज करेंगे जो भी क्या है, आज बैक है वैसे। भाई अपना वार्म अप हो गया, चलो अब एक्सरसाइज चालू करते हैं, पहले बिहाइंड द नेक है, करते शुरू। जिम वगैरह हो गई थी, आपने देख ली होगी वीडियो, मैंने एक दो अपने एक्सरसाइज जो करी थी एक आध डाल दी थोड़ी सी, वरना बोरिंग हो जाती है अगर मैं पूरी दिखाता एक्सरसाइज क्या करी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतना लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग देखते हो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, अपनी फैमिली बढ़िया बढ़ेगी, अच्छी लगेगी, देखोगे आप तो अच्छा लगता है। ठीक है भाई, चलो बाय।